ऐसे रोकते रह जाएंगे मैं तांग जंगी में। मन को रंगी रंगी दो खूनों के रंगी में। ठीक है ले हाँ, तू मुझे जल्लाद के हाथ भेजा, लेकिन माँ की कृपा से मैं बच गया। अब मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास और अपने बापू के खून का बदला खोल लूंगा। अरे जो बापू को रुलाया है उसी को मैं रुलाऊंगा। बस वही खड़े के खड़े हो जाओ, कहो क्या कहना चाहते हो। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं तुमसे। अरे हो तुम, अरे हो तुम किसी के अरे लाडले, अरे क्या है तेरा। अरे क्या है तेरा, अरे सच सच बया करो, कहां पड़ता मैं सब कुछ बताऊंगा। Give me all of your
है कहो। मेरा पता तो तूने पूछ लिया आवश, लेकिन तू अपना पता बता आवश बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो एक पद भी आगे बढ़ने में लाचार। ऐसी बात नहीं है मुसाफिर। हाँ तो बताओ। अवश्य बताऊंगा। बताओ सुनो। अरे कमली नगरी कावासी हूँ और श्यामो मेरा श्यामो पिता मेरे है और मुसाफिर और रतन पिता मेरे है और मुसाफिर सुनो। नहीं मेरे भाई आप कौन हो भाई है। श्यामो आज माँ की कृपा है कि हम दोनों भाई अवश्य पिछड़े हुए फिर भी एक हो गए। अवश्य भैया अवश्य। श्यामो लेकिन बताओ तुम कैसे डाकू बन गया। भैया मैं गया था भाभी को बचाने के लिए, बचाने गया लेकिन बचा नहीं पाया। मुझे लोहा से मार करके भगाया। मैं वहीं से निकल गया चंबल की तरफ, चंबल की तरफ गया भैया। मैं वहीं से डाकू बन गया भैया। आप कैसे बने भैया? श्यामो कहो। जिस समय लोहा सिंह पिताजी को मार रहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा भैया। मैं पिताजी को बचाने वहां पहुंचा तो फिर क्या हुआ भैया? और वहां लोहा सिंह जल्लाद को बुला करके अच्छा भैया और जल्लाद के हाथ भिजवा दिया तो फिर क्या हुआ भैया? लेकिन माँ की शुक्र था कि मैं माँ का पूजा करता करता बहुत दिनों से चला रहा था। अच्छा भैया। जंगल में जब वह मेरी जान लेना चाहा जल्लाद तो फिर क्या हुआ भैया? वहाँ माँ शेरा वाली अपनी सवारी शेर को भेज दिया। अच्छा भैया। और वह शेर गर्जन किया, जल्लाद डर बस वहाँ से भाग निकला। और जब मैं डरा के इधर उधर भागने को कोशिश किया तो माँ शेरा वाली ने बताया कि नहीं बेटा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा की। तो फिर क्या हुआ भैया? और मैं वहीं से निकला, बाबा अंबरदास की कुटिया आगे मिली। बाबा अंबरदास की कुटिया पे बाबा अंबरदास मिले मुझे और बाबा अंबरदास ने खुश होकर कहा कि बेटा जो मांगना हो मांग लो। तो फिर क्या हुआ भैया? तुम्हारे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस छोटी सी एक भेंट मांग लिया। क्या चीज था भैया? यही भेंट मांगा कि हे बाबा अगर देना है तो वही सामान दीजिए मुझको कि जो मेरे काम में आए और पराओं के काम में भी आए। अच्छा। अंबरदास ने खुश होकर के एक अंबल का डिब्बी उठाया और अंबल काजल दिया। तो फिर क्या हुआ? कहा कि बेटा जाओ, ये जिसके आंखों में रोशनी नहीं रहेगी यह अंबल काजल लगाने से अच्छा आंखों की रोशनी वापस आएगी। और मैं जब वहां से निकला तो मैं चंबल पहुंचा और चंबल से डाकू का वेश बनाकर वहां से निकला तो रास्ते में तुम्हारी भाभी मिली।
तो फिर क्या हुआ भैया? वो नदी में अपना प्राण देने जा रही थी, लोहरा उसकी दोनों आंखें फोड़ दिया था। अच्छा भैया, लेकिन भगवान का शुक्र था, माँ की कृपा थी, वही अम्बल काजल लगाया और उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई। अच्छा, इस समय गुफा नंबर 5 में विश्राम कर रही है। अच्छा, लेकिन लोहा सिंह अपने राजमहल में विश्राम कर रहा होगा। अवश्य भैया, लेकिन श्यामो कहो, मेरे दिल में एक तमन्ना उमड़ रही है। क्या है बताओ? तो सुनो, कहो तो श्यामो, जितने में मेरे अरे उठा एक चलते हैं। चलो भैया, आज लोहा सिंह के पास चलना है। अवश्य भैया, ठीक है चलो। अरे भारत वीरा, अरे भारत वीरा, नदी चला हो भारत वीरा।